ओलंपिक चार्टर दीयां खेडां कुंभ वजों जानियां जांदियां 28वें कमलजीत खेडां 2022 दे अज तीसरे दिन बटाला दे पिंड कोटला शाहियां विखे खिडारियां दी हौसला अफजाई लई मुख मेहमान दे तौर ते पंजाब दे खेड मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर विशेष तौर ते पहुंचे। अपने संबोधन दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान वल्लों जो बीते कल पंजाब पुलिस दी हर साल भर्ती दे ऐलान कीते गए ने ओह इतिहासिक फैसला है अते इस फैसले नाल पंजाब दा नौजवान वर्ग खेडां ते पढ़ाई नाल जुड़ेगा। उत्थे ही उन्हां नाल MLA बटाला अमन शेर सिंह कलसी तो इलावा प्रशासन के अधिकारी शामिल सन। उत्थे मुख मेहमान ने खिडारियों नूं सन्मानित किया। पत्रकारों नाल गलबात करदिआं कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने हर साल करवाए जाने वाली कमलजीत खेडां की शलाघा भी की। अज जरूरत है कि यूथ की जिहड़ी एनर्जी है क्योंकि पंजाब का जिहड़ा यूथ है ना ओवर एनर्जेटिक है। पिछलियां सरकारां ने कह लो भी यूथ की एनर्जी सही पास चैलेंज नहीं किया। इहदे लई तुहानूं रुजगार के साधन भी पैदा करने पैणगे। इहदे लई तुहानूं खिडारियों नूं जिहड़े नौजवानों खेडां वाले पासे भी लैके आना पऊगा। जे यूथ वेला बैठूगा वो कहिंदा वेला मन शैतान दा घर तां उहने उठे पासे जाना ही जाना। खास तौर पर जिहड़े यूथ च इन्नी एनर्जी है पंजाब दे च सो असीं उहनूं सही पासे एनर्जी जिहड़ी चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। असीं रुजगार के साधन भी पैदा कर रहे हैं। तुसीं देखो 20,000 तो सरकारी नौकरियां हुण तक देतियां ते कल किड्डी वड्डी अनाउंसमेंट भगवंत मान जी ने की कि हर साल 2100 नौकरी जिहड़ी पुलिस जिहड़ी आ उह निकलिया करूगी। अगे नौकरियां क्यों निकलदियां सी जदों वोटां वाला साल हुंदा सी उह निकलदियां सी मुंडे प्रैक्टिस ही नहीं करते सी। हुण जदों 2100 नौकरी निकलिया करूगी तां सारा साल जिहड़े बच्चे आ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਐਤਕੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਪਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚਲੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹੂਗਾ।